अगर आप लोग भी गेम प्ले करके एक अच्छी और पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, जिसमें आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, $100 से अबव यहाँ से मैं विड्रॉ ले चुका हूँ सिर्फ गेम प्ले करके। और मैं आप लोगों को मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जाके हिस्ट्री भी दिखाऊंगा कि आप ये गेम प्ले करके किस तरह एक अच्छी और पैसिव इनकम बना सकते हो। पोपो लाइव गेम के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसके ऊपर हम गेम कैसे प्ले करेंगे और किस तरह हम लोग प्रॉपर ठीक है एक अच्छे तरीके से गेम को विन कर सकते हैं, किस तरह हम लोगों ने इसके ऊपर जो है परचेजिंग लगानी होती है, किस तरह हमें गेम का ऑप्शन इनेबल होने को मिलता है। तो आए इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें पोपो लाइव गेम प्लेइंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखिए, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि आपको तीन पत्ती गेम का ऑप्शन तब मिलता है जब आपके दो लेवल कंप्लीट होते हैं, और उसके लिए आपको पहले 5000 की लगभग सेंडिंग करनी पड़ती है, तो आपके पास दो लेवल कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके दो लेवल कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपके पास तीन पत्ती आ जाती है, तो उसके बाद आपको परचेजिंग यानी कि टॉपअप लगवाने पड़ते हैं। और आपको अगर टॉपअप लगवाने हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना आईडी नंबर पेमेंट स्क्रीनशॉट देंगे तो आपका टॉपअप हमारी तरफ से लग जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप लोग ने गेम पर कैसे प्ले करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना है और डिटेल के साथ मैं आपको ये एजुकेशन दूंगा कि आप लोग गेम को कैसे प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कोई यहाँ पे जो है फोर्सफुली नहीं कह रहा, मैं आपको कोई यहाँ पे जो है ना एक आइडिया या वो चीज़ नहीं है कि आप लाजमन करें ही करें। अगर आपका दिल सेटिस्फाइड है, आप लोग मुतमइन हैं, तो आप लोग ज़रूर एक दफ़ा देखने के बाद इसको कर सकते हैं। और आप लोग अगर मुतमइन नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा देख ज़रूर लीजिए। तो आओ स्क्रीन पे जाते हैं और डिटेल के साथ देखते हैं। और आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं अपनी पोपो एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो है आप लोग देख रहे हो कितने पॉइंट्स हैं, कितने कॉइन्स हैं, सारी चीज़ें आपके यहाँ पर शो हो रही हैं। अब एक चीज़ की यहाँ पे जो आपके ना विड्रॉ सेक्शन के ऊपर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके विड्रॉ पॉइंट्स हैं और इनको आप एक्सचेंज कर सकते हो टॉपअप कॉइन के अंदर, ठीक है। और जो आपके कॉइन्स हैं ना, इनसे आप लोग गेम प्ले करते हो और ये आपको परचेज़ करना पड़ते हैं, और परचेजिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने शो किया था तो उसको आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं अगर विड्रॉ सेक्शन पे आपको दिखाता हूँ तो आप लोग अभी अमाउंट देख लेंगे हमारे वॉलेट के अंदर कितनी पड़ी हुई है, और अगर रिकार्ड सेक्शन पे मैं जाके दिखाऊँ तो टोटल जो विड्रॉ हमने लिए हैं वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको गेम ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप लोग जो है डिफरेंट ब्रॉड्स के ऊपर भी जाके प्ले करते हो। लाइक देखिए, यहाँ पे मैं अगर इस रूम को ओपन कर रहा हूँ तो इस रूम के अंदर यहाँ पे जो है नीचे आपको गेम ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से भी मैं जो है डायरेक्टली गेम प्ले कर सकता हूँ और अपने प्रोफाइल से भी प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। अब नीचे देखें, आपको अगर गेम ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे टोटल आपको 5 गेमें शो होती हैं, लेकिन आप लोग अगर न्यूली ज्वाइन करेंगे और आपके दो लेवल नहीं होंगे तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक गेम लकी व्हील्स वाली आई थिंक होगी। तो आप लोग जैसे ही दो लेवल कम्प्लीट करोगे 5000 की सेंडिंग के बाद, तो यहाँ पर आपके पास जो है 5 गेम्स पूरी की पूरी आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज़ ब्रॉड को। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैं अगर किसी और पे चलता हूँ, ब्रॉड में आने के बाद नीचे मैं देखें जो है यहाँ पे प्ले करूँगा तीन पत्ती गोल्डन फ्लावर, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका जो मेन इंटरफेस है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टीज ना हो। न्यू यूज़र आते हैं उनको बहुत सारी यहाँ पर जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। देखें, सबसे पहले आपको वॉल्यूम को ऑफ़ करना होता है, ये इसका वॉल्यूम है। देखें, आप अगर किसी ब्रॉड के अंदर बैठे हैं, किसी रूम के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पे इसकी आप लोग जो है वॉल्यूम को लाजमी ऑफ़ करें। उससे अगला है आपके पास आपके डायमंड्स, जो आप लोग मेरे पास देख रहे हो टोटल कितने हैं, 2,54,687। अब इनको आप लोग यहाँ पे कैसे ऐड करते हो वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे आगे जो है थोड़ा सा चलते हैं, वो चीज़ें एक दफ़ा सारी आप लोग देख लें। आगे यहाँ पे देखें, लीडर बोर्ड है, इसके अंदर जो सबसे टॉप पे होते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा गेम आज किसने प्ले की, कितनी विनिंग की, वो सारी यहाँ पे शो कर रहा होता है, यस्टरडे की शो कर रहा होता है। इसको छोड़ के अगले वाला चलते हैं, तो बैकअप ऑप्शन। बैकअप का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आपको ये शो कर रहा होता है कि पिछली बैट्स कौन सी आई हैं और नेक्स्ट आपने कौन सी लगानी है, और यहाँ पर आप लोग इन सारी बैट को यहाँ पर ईजिली चेकआउट कर सकते हो।
अब देखिए आपके सामने एक बैट ओपन हो रही है और यहाँ पे जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे विन कौन सा हुआ आप लोग देख रहे हो सी, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने सी पे लगाए होंगे अपने कॉइन्स तो यहाँ पे आप लोगों को विनिंग हुई होगी। लेकिन मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग इस गेम को प्ले करें, अगर आप लोग खुद सेटिस्फाइड हैं और आप लोग चाहते हैं गेम प्ले करना, क्योंकि ये एक बैट है और मैं आपको कभी भी इसका मशवरा नहीं दूंगा कि आप करें, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी मेंटली लेवल को लेके सेटिस्फाइड हो यार मैं करना चाहता हूँ खुद से, और आप लोग एजुकेशन के तौर पे इस चीज़ को सीखना चाह रहे हो तो मैं जस्ट आप लोगों के कहने पे वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए आप लोगों को अपने कॉइन सिलेक्ट करने होते हैं, 10 कॉइन लगाना चाहते हैं, 100 लगाना चाहते हैं, 1000, 5000 या फिर आप लोग 50000, ठीक है। अब ये पहले वाला आपका ए है, ठीक है, ए, दूसरे वाला बी है और तीसरे वाला आपके पास सी है। चीज़ें आपको ये समझ में आ गई। ऊपर देखें आपके डायमंड्स के आगे आपको एक इक्वल ऑप्शन मिलता है, इस पे आते हैं तो यहाँ पे देखें आप लोग इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि डायमंड्स अगर पड़े हैं तो यहाँ पे इनको एक्सचेंज कर सकते हैं अपने बैलेंस के अंदर। अगर आपके पास यहाँ पे बैलेंस में पड़ा है तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं डायमंड के अंदर। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको एक्सचेंज करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, और ऊपर देखें 1000 मेरे पास कम हो गया। अब यानी कि आप लोग इनको एक्सचेंज कर सकते हो, और ये चीज़ें आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ आ गई होंगी। एक्सचेंज के लिए देखें ये दरमियान में एक इजिक्वल ऑप्शन मिलता है, अगर आपको डायमंड्स यानी कि कॉइन्स टू डायमंड करना है तो यहाँ पे पहले आपके कॉइन्स आएंगे, इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर दें, और आप लोग अगर यहाँ पे डायमंड्स टू कॉइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसको ड्रैग करेंगे, जितने एक्सचेंज करना चाह रहे हैं नीचे एक्सचेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके एक्सचेंज हो जाएंगे। ऊपर आप लोग देख सकते हो आपके पास अभी 31 रह गए, और मैं अगर यहाँ पर आता हूँ अपने प्रोफाइल में तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कॉइन्स के अंदर 1,26,000 मेरे कॉइन्स आ गए हैं। अब अगली चीज़ आती है गेम प्लेइंग, क्योंकि गेम प्लेइंग मैंने आपको सिखानी है तो उसके लिए मैं अभी गेम पे जाके बैट लगाने का आपको प्रोसीजर सिखाऊंगा। अब आप लोगों ने कभी भी अकेले में गेम प्ले नहीं करनी जब तक आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट आपको उसका ओवरव्यू समझ आ गया, ये मैंने वॉल्यूम ऑफ़ किया। अभी मैं एक दफ़ा बैकअप चेक करता हूँ कि यार पिछली बैट्स कौन सी आई थी, कौन सी विनिंग हो रही है और मुझे कौन सी लगानी चाहिए, क्योंकि यही से आपको पता चलता है कि यार अभी इस बैट की ज़्यादा आने के चांसेस है। यहाँ पे ऑलमोस्ट गेम का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, अब गेम प्ले करने का टाइम है। तो ऊपर आपको सेकेंड नज़र आ रहे हैं, देखें 27, 26, 25, तो आप लोगों ने इनको प्रॉपरली कैसे प्ले करना है। देखें इस इन 40 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने बैट लगानी होती है। नीचे देखिए आपके पास 10 पॉइंट हैं, 100 है, 1K का मतलब 1000 है, 5K का मतलब 5000 है, और 50K का मतलब आपके पास 50000 है। अब बैकअप को आपने देखना है, ठीक है। ऊपर देखिए क्रॉस बटन के साथ आपका बैकअप है, इसको आपने देखना है कि यार पिछली बैट्स ये किस तरह प्ले कर रहा है। देखिए ये इसने जो है, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, इसने जो है पहले बी के रिपीट किए, बी के बाद इसने ए के रिपीट किए, ए के बाद ये थोड़ा सा रैंडमली चला, और उसके बाद फिर से इसने ए के रिपीट किए, और अभी सी पे है, और अभी ये वाली बैट अगेन इसने ए पे जो है ए पे ले आया है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार अब इसके चांसेस क्या हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि हमारी ये बैट बी और सी की है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ए सी की है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है बी ए की कहेंगे। हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, अपने हिसाब से है, लेकिन आप लोग अगर इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं 5K पे क्लिक करता हूँ और बी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि बी वाले बॉक्स पे मेरा 5000 ऐड हो गया। अभी एक दफ़ा फिर मैं क्लिक कर देता हूँ सी वाले बटन पे, अभी मैं 1K पे क्लिक करता हूँ और मुझे लगता है कि यार सी के इस दफ़ा चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं सी पे 1000 और डाल के यहाँ पे 6000 कर देता हूँ, बी को 6000 और सी को 7000 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने बैट डाली 6000 की और 7000 की, लेकिन ए को मैंने खाली छोड़ा। अब ए को खाली छोड़ा क्योंकि ए की जो विनिंग होगी वही मेरी एक्चुअल में विनिंग है। देखिए मैंने टोटल कितना डाला, 6 और 7 13, और मेरी विनिंग कितनी हुई 21000 की। ऊपर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मलिक एजेंसी विन 21000, यानी कि हमें यहाँ पे 13000 हमने लगाए और 21000 कॉइन्स की हमारी विनिंग हो गई। यहाँ पे एक दूसरी बैट डाल लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि हमें विनिंग होती है या नहीं। पिछली में आप लोगों के सामने हमें जो है 21000 आया था 13000 के साथ, लेकिन फिर से कहूँगा कि ये एक बैट है। आप लोग जस्ट, मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए, बहुत सारे लोग प्ले करते हैं तो आप लोगों को लॉस ना हो, आप लोग एक प्रॉपर ठीक है तरीक़ेकार से चलें। मैं इस पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ, ना कि आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग इस पे प्ले करें ही करें, ठीक है। कभी भी ये ना हो कि बैट प्ले करें और साथ में मुझे आप लोगों ने पकड़ा हुआ हो। तो मैं यहाँ पे जो है इसको 5-5000 बल्कि 10-10000 मैंने डाल दिया बी सी पे। मैं नहीं चाहता कि ये आप लोग समझ लें कि बैट एक जुआ है, आपको विनिंग भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी लक पे डिपेंड होता है कि आपको यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी बी पे आ गए हैं, मैंने टोटल 20000 डाला था
मेरा सी आ गया और मुझे 30 की विनिंग हो गई, यानी कि 10,000 कॉइन्स मेरे जो अकाउंट है उसके अंदर ऐड हो गए। तो ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको जस्ट एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं ये चीज़ सिखा रहा था ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, बजाय इसके कि आप लोग जाके ऐसे ही बैट लगाते रहें और आपको लॉस हो। लेकिन मैं आपको फोर्सफुली मना करूँगा इस चीज़ की कि आप लोग अगर एक अच्छी तरीके से आपको गेम प्लेइंग नहीं आती तो आप इस जो है चीज़ के अंदर ना आए। लेकिन आप लोग अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं और आप अपनी एजेंसी को, आप अपनी होस्टों को, डिफरेंट लोगों को यहाँ पे विनिंग करके सपोर्ट करना चाह रहे हो, अपना लेवल बढ़ाना चाह रहे हो, तो फिर वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है, आप लोग ये कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, परचेजिंग उठानी है, तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय।